किसी भी देश की मजबूत सेना के लिए लड़ाकू विमान बहुत ही जरूरी होता है। हर देश की वायुसेना उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए हर देश अपनी वायुसेना को मजबूत रखना चाहते हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है और भारत के पास एक से खतरनाक लड़ाकू विमान है। आज मैं आपको भारतीय वायुसेना की 5 सबसे खूंखार लड़ाकू विमानों के बारे में बताऊंगा, तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। नंबर 1, सुखोई 30 MKI। ये भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और अहम लड़ाकू विमान है, साथ ही ये भारत का फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट भी है। सुखोई Su-30 एक 2-सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 21.932 मीटर, ऊंचाई 6.32 मीटर और इसका विंग स्पैन 14.7 मीटर है। ये 38,800 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। ये विमान 3,000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर हमला भी कर सकता है। इस विमान में हवा में ही ईंधन भी भर सकते हैं, साथ ही ये सीधे निशाने पर वार करता है। ये विमान टाइटेनियम धातु का बना है और इसमें पायलट रडार के माध्यम से पहले से लक्ष्य को निर्धारित भी कर सकते हैं। सुखोई 30 MKI में 12 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। हार्ड पॉइंट वो जगह होती है जहां विमानों में हथियार सेट होते हैं। सुखोई 30 MKI की सबसे खास बात ये है कि ये क्रूज मिसाइल ले जाने की क्षमता रखता है, जो कि इसे बाकी विमानों से अलग और खतरनाक बनाता है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI VVR तकनीक से भी लैस है। VVR तकनीक को बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं। इसकी मदद से विमान बिना दुश्मन के नजर में आए दुश्मन के विमान पर मिसाइल दाग सकता है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस समय करीब 272 सुखोई 30 MKI विमान तैनात हैं। नंबर 2, MiG-29। MiG-29 विमान सुखोई के बाद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वायुसेना में इसको बाज के नाम से पुकारते हैं। MiG-29 एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सिक्योरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 17.32 मीटर, ऊंचाई 4.73 मीटर और विंग स्पैन 11.36 मीटर है। ये विमान 18,000 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। वायुसेना ने कई MiG-29 विमानों को अपग्रेड भी किया है, जिसके बाद बिना अतिरिक्त टैंक के ये विमान 1500 किलोमीटर की बजाय अब 2445 किलोमीटर तक जाकर मार कर सकता है। भारत MiG-29 को रूस से खरीदने वाला दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल कस्टमर था और इस फाइटर एयरक्राफ्ट ने करगिल युद्ध में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को धूल चटा दी थी और लेटेस्ट अपडेट के बाद ये विमान और भी घातक हो गए हैं। भारत इस समय लगभग 66 MiG-29 विमानों का इस्तेमाल करता है। नंबर 3, डसॉल्ट मिराज 2000। इस विमान को वज्र नाम दिया गया है। ये वायुसेना का प्राइमरी फाइटर प्लेन है। ये दुश्मन के इलाके में लेजर गाइडेड बम से भी हमला करने में सक्षम है। इस समय भारतीय सेना के पास 41 मिराज विमान है। मिराज 2000 डीप पेंट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। ये विमान दुश्मन के घर के अंदर घुसकर मार करने वाला एयरक्राफ्ट है, जिसका करतब आप सबने पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक में देख ही लिया था। एक और बड़ी खास बात यह है कि मिराज 2000 को रडार भी आसानी से पकड़ नहीं सकता। ये विमान 4.36 मीटर लंबा, 5.2 मीटर ऊंचा और इसका विंग स्पैन 9.13 मीटर है। ये विमान 17,000 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। मिराज 2000 में उन्नत एवियोनिक्स RDY रडार लगे हैं। मिराज 2000 में हथियारों को ले जाने के लिए 9 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें 5 प्लेन के नीचे और 2 दोनों तरफ के पंखों पर दिया गया है। साथ ही इसमें हैवी फायरिंग करने के लिए 30 mm बंदूकों को भी लगाया गया है। नंबर 4, तेजस। तेजस भारत में निर्मित एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस विमान को भारत ने अपने पुराने MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए बनाया है। तेजस विमान की खासियत इसकी रफ्तार और हल्का वजन है। करीब 9 टन के वजन वाला तेजस एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है।
HAL ने नए तेजस विमान को जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस किया है ताकि दुश्मन की सीमा के करीब उसका कम्युनिकेशन जाम न हो पाए। तेजस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से धरती पर मार करने वाली मिसाइल, हवा से पानी पर हमला करने वाली मिसाइल, हवा से हवा में दूसरे लड़ाकू विमानों को मारने वाली लेजर गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और बम से भी लैस है। तेजस की लंबाई 13.20 मीटर, ऊंचाई 4.40 मीटर और इसका विंग स्पैन 8.20 मीटर है। ये 13,500 केजी तक का वजन लेकर उड़ सकता है। तेजस अपने कार्बन बॉडी के कारण जल्दी रडार के पकड़ में नहीं आता है। तेजस में लगे रडार की रेंज 150 किलोमीटर है, जबकि तेजस में हथियारों को सेट करने के लिए 8 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 5, जैगुआर। जैगुआर भारतीय वायुसेना का एक ट्विन इंजन सिंगल सीटर डीप पेंट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जिसको भारतीय वायुसेना में शमशेर नाम से जाना जाता है। ये विमान 1350 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1.3 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। साथ ही ये जहाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की क्षमता से लैस है। इस जहाज की लंबाई 16.83 मीटर, ऊंचाई 4.89 मीटर और इसका विंग स्पैन 8.68 मीटर है। ये 15,700 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। भारतीय सेना में 91 जैगुआर विमान हैं। इसके साथ ही भारत इन विमानों को अपग्रेड भी कर रहा है। जब भी विमान अपग्रेड हो जाएंगे तब इनकी सर्विस 2035 तक हो जाएगी। इन विमानों के अलावा बहुत ही जल्द भारतीय वायुसेना में 36 राफेल विमान भी शामिल होने वाले हैं। इस विमान के भारत में आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। राफेल फ्रांस द्वारा बनाया गया एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको फ्रांस की डसाल्ट एविएशन बनाती है। राफेल सभी तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है। इस विमान की मिसाइल द्वारा एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मार किया जा सकता है, साथ ही इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। इसके साथ ही राफेल एंटी शिप अटैक, टू ही क्षमता, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर डिफेंस और लेजर गाइडेड लॉन्ग रेंज की मिसाइल के हमले में भी सक्षम है। साथ ही राफेल एक बार की उड़ान में ही दुश्मनों की मिसाइल को मार सकता है और दुश्मनों के ठिकाने पर हमला भी कर सकता है। राफेल का वजन 10 टन, लंबाई 15 मीटर, विंग स्पैन 11 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। राफेल एक मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। साथ ही ये 24,500 किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ सकता है। राफेल में 14 हार्ड पॉइंट लगे होते हैं, जिसपे वो 9,000 केजी के एक्सटर्नल हथियार ले जा सकता है। साथ ही इसमें हवा में ही ईंधन भी भरा जा सकता है। राफेल अपनी बनावट के कारण जल्दी रडार के पकड़ में नहीं आता है और इसी खूबी के कारण राफेल किसी भी गुप्त हमले को बिना रडार में नजर आए पूरा कर सकता है। राफेल में एक 1.30 mm की मशीन गन भी लगी होती है, जो एक मिनट में 125 राउंड फायर करती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन सा विमान सबसे खतरनाक लगा हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आप ऐसी नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले पा सकें।